जितना आज आकांक्षा दुबे के मरने के बाद पूरा पब्लिक भोजपुरी इंडस्ट्री आज पीछे पीछे पड़ी है, उतना अक्षरा सिंह के भी पीछे पड़ना चाहिए। पवन सिंह के डर से उनके पीछे नहीं पड़े कि पवन सिंह हमारा बाप है, मार देंगे पवन सिंह, कर देंगे। आज आकांक्षा दुबे के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। आप लोग आकांक्षा दुबे के चक्कर में इतना चमचाई क्यों कर रहे हैं? आज के डेट में आकांक्षा दुबे के साथ जौन भी भइल एगो ई राजनीति हो गई बैठ भोजपुरी इंडस्ट्री में। भैया आप ही बताइए कौन ऐसी लड़की है जो रिलेशनशिप में नहीं है? अच्छा ये बताइए भैया, अक्षरा सिंह रिलेशनशिप में नहीं थी? अक्षरा सिंह भी थी, तो समर सिंह को सजा होनी चाहिए, इसमें नो डाउट। अमरपाली दुबे को पकड़ लीजिए, निरहों के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, कौन नहीं जानता है कि जो इसके पीछे मरने के बाद भी इतना राजनीति कर रहे हैं कि जो हद हो गई है महाराज, नहीं करनी चाहिए। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नारा चला हुआ है कि बेड शेयर नहीं करिएगा तो काम नहीं मिलेगा। पवन सिंह किसको सपोर्ट कर रहे हैं? खेसारी कौन से लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं? लड़कियों का भी दोष है इसमें। दो दिन में मार्केट में आ रही है, तीसरा दिन सोच रही है कि हम मतलब कि बहुत बड़े लेवल की हीरोइन हो जाए, तो उसके लिए तो आपको सुना पड़ेगा। एक लड़के को भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, और लड़की को, लड़की अगर आज लड़की आ रही है, अगर थोड़ा सा स्मार्ट है, उसको सुर लगाने का नॉलेज नहीं है, गाने का नॉलेज नहीं है, उसको वहां पर गद्दी पर बैठाया जा रहा है। और कि हम तुम पे मरते हैं, प्यार बड़ी करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए अभिषेक गिरी जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं, जितना अच्छा गाते हैं उतना ही अच्छा इनकी सोच है। आप इन्हें पहले भी चर्चा में देख चुके हैं, फिर से इनका दिल्ली में आगमन हुआ है, तो आइए जरा इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले हम अभिषेक गिरी, और आज फिर से चर्चा के माध्यम से और बड़े भैया कुछ भैया के माध्यम से आप सबके दर्शन करे के सौभाग्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गिरी साहब, अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो उस इंटरव्यू का कुछ आपको रिस्पांस मिला? आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल हुआ? जी भैया, जिसके ऊपर आपका हाथ हो उसका तो जीवन धन ही है। और बहुत मजा आया इंटरव्यू करने के बाद, जब यहाँ से मैं बक्सर गया तो बहुत सारे लोगों का प्यार मिला और आशीर्वाद मिला, और बहुत सारा प्रोजेक्ट भी मैं कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आगे करेंगे भी आपका आशीर्वाद। अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी फिलहाल में कौन कौन से हैं और किस किस कंपनी से आपके आने वाले? अभी फिलहाल में केस मीडिया से आने वाला है, अग्निशक्ति कंपनी पटना में है जो, उससे भी आने वाला है, काशी रिकॉर्ड है रोहतास में, उससे भी प्रोजेक्ट आने वाला है, और कोची से और कंपनियों से किया जाएगा आगे, और हम चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत से अभी आपके चर्चा में जो परिवार है फैंस बन चुके हैं, आपकी आवाज में कोई भी गाना जो आपका रिलीज हो चुका हो या अपकमिंग कोई हो? बहुत बढ़िया गीत रिलीज भर लो, अगर हम लड़की के लाइन न रहा, लड़की कह दिया और कि हम तुम पे मरते हैं, प्यार बड़ी करते हैं, आओ दिल लगा लो हमसे, आहे भी भरते हैं, और कि झूठे कहे कि हम के फसाइबू हो, अरे फसाइबू हो, अरे फसाइबू हो, तो अगर हमार लाइनिंग रहे और कि बदमाश है जिंदगी में आईबू हो, कि बदमाश है जिंदगी में आईबू हो, जान दिलवा लगा के पछताइबू हो, कि अकसर नाम थनवे में पाइबू हो, जान दिलवा लगा के पछताइबू हो। अरे वाह, किसने लिखा इस गाने को? ये गाना को एक रोहित भाई है, और हम, मैं भी लिखा हूँ, और कुछ मिलकर बैठे थे स्टूडियो में, लिख दिया ऐसे ही मनोरंजन टाइप। ये गाना आया कहाँ से आपका? ये गाना एक ऑफिशियल है मेरे भाई का, रोहित म्यूजिक करके ऑफिशियल, उसी ऑफिशियल से है। अच्छा, तो जो आपकी शिकायत थी कि आपको कोई कंपनी मौका नहीं देती, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, इंटरव्यू के बाद, जो पिछला इंटरव्यू हमने किया था, उस इंटरव्यू के लाइव होने के बाद लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल लोगों ने समझा है मेरी भावनाओं को और बातों को, लोगों ने समझा है, और प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं, लेकिन अभी वो समस्या चल रही है भैया। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर कोई भी कलाकार हो, मैंने पहले भी बोला था कि जो भी अच्छे गाने वाले भाई हैं, जो भी अच्छे लिखने वाले लोग हैं, उनको कम से कम आप लोग एक बार मौका जरूर दें, मैंने ये भी बोला था। तो हर कंपनियों से मैं यही चाहता हूँ कि जो भी अच्छे गाने वाले लोग हैं, चाहे अभिषेक गिरी हो चाहे अन्य कोई भी हो, सबको एक बार मौका मिलना चाहिए। मैं अगला इंटरव्यू में भी बोला था, ये इंटरव्यू में मैं भी बोल रहा हूँ, और आपको मौका मिल भी रहा है, और आई होप और आगे मौका मिलेगा। आगे चर्चा को बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आकांक्षा दुबे को लेके तरह तरह की लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सस्पेंस बना हुआ है, और रोज आए दिन कोई ना कोई वीडियोस वायरल हो रही हैं। आकांक्षा दुबे की एक स्मोकिंग वाली वीडियोस वायरल हुई, अभी दो दिन पहले उनकी एक वीडियोस वायरल हुई जिसमें वो समर सिंह के ऊपर ब्लेम लगाते हुए दिख रही हैं, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार समर सिंह होंगे। अभी आपको क्या लगता है कि अब ये केस किस तरफ जा रहा है?
देखे भी हम आज खुल के बताओ तनी, हमू रोज देखी ला मीडिया के माध्यम से बहुत सारा भोजपुरी के जतना इंडस्ट्री के लोग बा, चाहे बाहर के भी लोग बा, सब इंटरव्यू करता वो मामले में। आज के डेट में आकांक्षा दुबे के साथ जौन भी भइल एगो ई राजनीति हो गई बटे आज के डेट में। हर कलाकार चाहे जे भी होके आगे जे बढ़त होके चाहे जे आगे बढ़ गल होके, आज के डेट में सब अपन प्लेटफॉर्म बनावे खातिर सब एक मामले में राजनीति कर रहा लोग। हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करब कि राजनीति आप सम्मत करिए। हमको ये नहीं लगता है कि आप लोग आकांक्षा दुबे के चक्कर में इतना चमचाई क्यों कर रहे हैं। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया आप ही बताइए कौन ऐसी लड़की है जो रिलेशनशिप में नहीं है। एक भी लड़की का नाम मुझे बता दीजिए कि जो रिलेशनशिप में नहीं है। आज आकांक्षा दुबे इस धरती पे नहीं है आज, वो मतलब कि जिस कारण से जो भी हो। अब हम कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू उनका एक वीडियो क्लिप देखा जो उसमें रो रही है और बोल रही है कि अगर मुझे जीवन में कुछ भी हुआ तो इसका गुनाहगार समर सिंह है। तो सही बात है, हो सकता है और रिलेशनशिप में थी और उनके साथ कुछ हुआ होगा तभी वो बोली है इस बातों को। तो हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये सच्चाई है, अगर वो बोली है तो समर सिंह को सजा होनी चाहिए, इसमें नो डाउट। मतलब अभी आप कंफर्म नहीं है सब चीज देखने के बाद कि समर सिंह ने कुछ किया ही है? कंफर्म देखिए भैया, कंफर्म तो वीडियो देखने के बाद अब तो हो गया है। जो जैसे वो रो रही है और मतलब कि रो रो के एकदम मतलब कि उनका देखे कि चेहरा वरा फूल गया है, लगता है कि बहुत ज्यादा पिटाई हुई है उनकी। मैंने वीडियो देखा हो तो उसे देखने के बाद मुझे कन्फर्म हो गया कि नहीं रियलिटी है। तो अब आगे क्या कहा जा सकता है, अब सरकार के हाथ में है। अभिषेक भाई, अभी आपने एक बात बोली कि ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सी लड़की है जो रिलेशनशिप में नहीं है, ये एक का बहुत बड़ा बयान है। मतलब आप सबको बोल रहे हैं, जितनी भी आर्टिस्ट हैं, जितनी भी एक्ट्रेस हैं, सबके लिए आप ये बात कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया, अक्षरा सिंह रिलेशनशिप में नहीं थी? अक्षरा सिंह भी थी लेकिन अलग होने के बाद ये पब्लिक उन पे क्यों नहीं आरोप लगाई? पब्लिक उनके पीछे भी आरोप लगाना चाहिए था। जितना आज आकांक्षा दुबे के मरने के बाद पूरा पब्लिक भोजपुरी इंडस्ट्री आज पीछे पड़ी है, उतना अक्षरा सिंह के भी पीछे पड़ना चाहिए। तो आप पवन सिंह के डर से उनके पीछे नहीं पड़े कि पवन सिंह हमारा बाप है, मार देंगे पवन सिंह, कर देंगे। आज आकांक्षा दुबे के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। आकांक्षा दुबे के पीछे मींस सपोर्ट? हाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सच्चाई है सच्चाई के पीछे लड़ी है, लेकिन इस सच्चाई के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं भैया, लड़कियां हैं लड़के हैं कि जो इसके पीछे मरने के बाद भी इतना राजनीति कर रहे हैं कि जो हद हो गई है महाराज, नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को पहले से अगर अच्छे रास्ता दिखाइएगा तो पीछे का भी रास्ता अच्छा होगा। पहले से आप गलत माहौल बना दिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। हमको लगता है कि अभी देखिए, अब अमरपाली दुबे को पकड़ लीजिए, निरहों के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, कौन नहीं जानता है। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नारा चला हुआ है कि बेड शेयर नहीं करिएगा तो काम नहीं मिलेगा। तो जो भी लड़कियां इस मार्केट में आ रही है, इतने बड़े लेवल के काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये काम कर रही है तभी उनको काम मिल रहा है। ये आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वैसे सोशल मीडिया पे क्या चलता है वो अफवाह भी हो सकती है, सच भी हो सकता है। आकांक्षा दुबे का जो ये केस है, इससे भोजपुरी इंडस्ट्री की जो उभरती हुई कलाकार मॉडल्स हैं उनको क्या सीख लेनी चाहिए आपके हिसाब से? सीख लेनी चाहिए, देखिए भैया, अपने टैलेंट पे आइए, अपने टैलेंट पे काम करिए। जहाँ भी रही, देर होता है अंधेर नहीं होता है, कि भोजपुरी में कहावत कहा गया है कि देर होता है अंधेर नहीं होता है। अपने टैलेंट पर रहिए, लेकिन भैया कुछ कहा, लड़कियों का भी दोष है इसमें। दो दिन में मार्केट में आ रही है, तीसरा दिन सोच रही है कि मतलब कि बहुत बड़े लेवल की हीरोइन हो जाए, तो उसके लिए तो आपको सुना पड़ेगा। डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हीरो है, चाहे जो भी हो, मैंने ये सब करने के बाद ही आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। लड़कियां कर रही है, जो अगर बोल रही है कि हम नहीं करते हैं ये करते हैं, गलत बात है भैया, सब कर रही है लड़कियां। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में बताइए कि कितने लड़कों को सपोर्ट किया जा रहा है। एक भी लड़के का नाम पकड़ रख लीजिए जो हमारे हिसाब के लड़के हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। कौन सा लड़के को सपोर्ट किया है? पवन सिंह किसको सपोर्ट कर रहे हैं? खेसारी कौन से लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं? जितने बड़े बड़े लेवल पे लोग हैं, हम यहाँ से इंटरव्यू से बोल रहे हैं कि मतलब भैया हमको सपोर्ट करिए। जो भी हम गा रहे हैं, हम नहीं बोलते हैं कि हम अच्छे गाते हैं, लेकिन उतना भी खराब नहीं गाते हैं। आप मुझे सपोर्ट करिए ना। एक लड़के को भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और लड़की को, लड़की अगर आज लड़की आ रही है, अगर थोड़ा सा स्मार्ट है, उसको सुर लगाने का नॉलेज नहीं है, गाने का नॉलेज नहीं है, उसको वहां पे गद्दी पर बैठाया जा रहा है। ये बात तो मैं यहाँ थोड़ा सा पब्लिक को ही बताना चाहूंगा, और इससे मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से जो अभी आपने बोला। और ये सच है कि आप देखिए रील्स में जो लड़कियां अपना वायरल हो रही हैं, अच्छे फॉलोअर हैं, उनको बड़े बड़े स्टार अपने गाने में चांस दे रहे हैं एज ए को स्टार, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो स्ट्रगल कर रही हैं और बच्चे जो लड़के हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा है।